दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉमोडिटी क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी और संक्षिप्त में बताऊंगी, कम से कम शब्दों में बताऊंगी और आपको समझ आ जाएगा कि कॉमोडिटी क्या होता है और इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉमोडिटी के लिए भी एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और इसके लिए अगर आप पहले से ही कोई अकाउंट चला रहे हैं, डीमैट अकाउंट चला रहे हैं इक्विटी के लिए, एनएससी के लिए, बीएससी के लिए, तो कॉमोडिटी का सेक्शन आपको अलग से जो है आपको एक्टिव करवाना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आप अपने ब्रोकर से बात करेंगे तब जाके आपका कॉमोडिटी सेक्शन जो है वो एक्टिव होगा और आप उसमें वर्क कर सकेंगे। क्या होता है ये कॉमोडिटी भाई? जैसे सपोज मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ, आप दुकान में जाते हो, कुछ सामान लेके आते हो, घर का सामान लेके आते हो, आटा, चावल, तेल, सब कुछ लेके आते हो ना, आप फिजिकल लेके आते हो, हाथों से लेके आते हो, पैसे देके आते हो, खरीद के लेके आते हो। लेकिन जब आप फोन में आप व्यापार करते हो तो उसमें क्या होता है, मार्केट बनी रहती है कॉमोडिटी की, जिसमें आपको सोना, चांदी, चना, आपको कपास, रुई, आपको एल्यूमिनियम, तांबा, आपको सब कुछ मिला रहेगा, सब कुछ मिलेगा, जाओ आप खेल लो। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इस तरीके से आपको सारा सामान जो है वो ऑनलाइन कमोडिटी में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो पता नहीं रहती है अगर आप बिगनर हैं, इसमें एक्सपायर डेट होती है। एक्सपायर डेट कितनी होती है? एक एक महीने की एक्सपायर डेट होती है, जैसे कि 28 दिसंबर, 31 जनवरी, 24 जनवरी, फरवरी, कुछ भी हो सकती है। वो एक्सपायर डेट आपको जब आप खरीदेंगे तब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, उस एक्सपायर डेट का ये मतलब है कि उससे पहले पहले आपको आपको 3 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको वो जो आपने ले रखा है सामान उसको आपको जो है बेचना है। ठीक है, वो एक्सपायरी यानी कि ख़त्म होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है वो डेट, उससे पहले पहले आपने नहीं काटा तो आपका ब्रोकर काट देगा। और आप अगर लॉस हो रहा होगा, लगातार उसमें लॉस हो रहा होगा, तो वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायर डेट आ चुकी है। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि किस तरीके से आपको जो है आपको बियर, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो इस तरीके से आपको बेचना है एक्सपायर डेट से पहले। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सपायर डेट देखिए 3-3 महीने की भी होती है, 4-4 महीने की भी होती है, नेक्स्ट मंथ की भी होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सपायर डेट लेंगे। ठीक है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें सोने और चांदी का व्यापार भी होता है। गोल्ड का रेट क्या चल रहा है आजकल? 60,000 चल रहा है, 58,000 चल रहा है। इसमें लॉट सिस्टम होते हैं। लॉट सिस्टम कैसे होते हैं, अब एक वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ। लॉट सिस्टम होते हैं, अगर आपको प्रॉपर चार्ट चाहिए, प्रॉपर आपको देखना है और सुनना है, आपने ऑडियो में वीडियो में सुनना है कि कितने में कितना लॉट साइज होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको सब समझाऊंगी कितना लॉट साइज होता है। अगर आपको एक मिनी खरीदनी है, अगर आपको चांदी की एक मिनी खरीदनी है या सोने की खरीदनी है, तो आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जिंक खरीदना है तो कितना प्राइस देना पड़ेगा। इसमें मिनी होती है, माइक्रा होती है। ठीक है, आप फुल भी ले सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है। अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लगता है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लेते हैं, इक्विटी में जो आप व्यापार करते हैं उसमें थोड़े पैसों में गुजारा हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। और लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात आपको मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, जो बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे ना, आप इस चीज़ को देखेंगे, इसमें रोज़ उतार चढ़ाव होता है, रोज़ अप डाउन। अगर कोई अर्निंग करने वाला है, अगर कोई माइंडेड, अगर वैसे किसी को नहीं पता होता मार्केट में क्या होने वाला है, कब उछाल आएगा, कब नीचे जाएगी, किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं, न्यूज़ वालों को भी नहीं पता होता, जो देते हैं न्यूज़ उनको भी नहीं पता होता अब कब उसमें गिरावट आ जाए। और जब गिरावट आती है तो इतनी भयंकर गिरावट आती है कि आप उस सदमे को सहन भी करें ना करें, इसीलिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको तब व्यापार शुरू करना है, पहले आपको इसके अप एंड डाउन, टर्म एंड कंडीशन को कम्प्लीटली जान लेना है। और वो कौन बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगी सारी बातें। तो यहाँ पे मैं कॉमोडिटी का जिक्र कर रही थी, जैसे आप फिजिकल सामान ले आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन व्यापार करना है, बाय करना है, सेल करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि पता नहीं होती लोगों को, आप NSC BSC में क्या कर रहे थे,
आप बाय करके सेल कर दे रहे थे, ठीक है। और आप इंट्राडे में सेल भी कर सकते थे, बाय भी कर सकते थे, बाय भी कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे इंट्राडे में ओनली। लेकिन फ्यूचर में सीएनसी में वहां पे आप सिर्फ बाय करके अर्न कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, सेल करके वहां पे आप नहीं कर सकते। सेल करेंगे तो आपको इंट्राडे में 3:30 बजे तक कट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अगर आपने एंट्री सेल पे छोड़ी है, सेल करके भी कर सकते हैं आप, सेल में आपने एंट्री छोड़ी है तो वो नेक्स्ट डे सेल पे ही खड़ी रहेगी, आपको उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय और सेल इंटरडे का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि एक्सपायर डेट होती है, ठीक है। एक्सपायर डेट से पहले पहले आपको जो कुछ करना है आप करिए, सेल करके भी और बाय करके भी। और वहाँ क्या था, एनएससी बीएससी में आप सेल और बाय सिर्फ इंटरडे में कर सकते थे, फ्यूचर में सीएनसी में सिर्फ बाय करके खेल सकते हैं आप, उसमें नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन यहाँ, लेकिन मार्जिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है इसका, क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं, गोल्ड महंगा होता है, चांदी महंगा होता है, एल्यूमिनियम महंगा होता है, जिंक महंगा होता है, सब कुछ ही महंगा होता है, कुछ सस्ता भी होता है, इसीलिए लॉट साइज इसमें रखा गया है। इसमें जो है ये पेट्रोल को क्या बोलते हैं, मेरे माइंड से ये चीज़ निकल रही है, ठीक है। वो भी इसमें ऑयल ऑयल कैरोसिन ऑयल कुछ बोलते हैं इसको, वो काफ़ी महंगा होता है। इसमें आपको क्या करना है, सेल करके भी आप बाय कर सकते हैं एक्सपायर डेट से पहले, ठीक है। इसीलिए इसमें लॉट साइज रखे गए हैं मिनी मिनी माइक्रा, सबसे छोटे छोटे। इसमें आप 10,000, 5,000, 7,000 में भी कर सकते हैं, जी हाँ इतने में भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो लॉट साइज, अब अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं ज्ञान देगा जितना मैं आपको बताऊंगी, हर चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगी। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए मुझे, मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगी, ठीक है। अगर आप सपोज डीमैट अकाउंट खोलने वाले हैं तो साथ साथ अगर आपको कमोडिटी भी करना है, सबसे पहले आप कमोडिटी में हाथ मत डालिएगा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आपको शुरुआत करनी चाहिए एनएससी से, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एनएससी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सेफ होता है, और उसमें आपको अगर शुरुआत करनी है तो आप बैंकिंग सेक्टर से करिए। अब बैंक जो जाने माने बैंक हैं, ठीक है, बैंक में HDFC आ जाता है, एक्सिस आ जाता है, कोटक आ जाता है, ये जाने माने बैंक हैं, बहुत चल रहे हैं ये, ICICI आ जाता है नंबर वन HDFC बैंक, लेकिन इनके शेयर्स बहुत महंगे हैं, 1800 रुपये, 1700 रुपये, 1600 रुपये का एक। अब आप इतना तो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर खरीदेंगे तो एक दो, अगर मैं मतलब बिजनेस की बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत लोग खरीदते हैं। और अगर आपको छोटे उसमें भी करना है तो उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कौन से आप ले सकते हैं जो टिकाऊ कंपनियाँ हैं, जो भगोड़ी नहीं है, भागेंगी नहीं, ठीक है। जो अभी तक का जो उनका डाटा है, जो मैंने एनालिस किया है, जो उनका फंडामेंटल एनालिस किया है, जो मैंने देखा है, तो उनके मुताबिक मैं आपको लिस्ट बता दूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से बने रहिए, बस मेरा ये कहने का मतलब है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके और आप बैठे बैठे घर में जो है अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें। ये भी एक तरीके का बिजनेस है, और आप चाहें तो आप शुरुआत कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही आपकी दिशा में ही मार्केट मूव करेगी, वो मूव भी नीचे की तरफ भी मूव करेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत इजी है काम और पैसा कमाना बहुत इजी है, तो आप सब कुछ गंवा के यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप पेशेंस बना के आपको रखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।